Good evening. Welcome to Autodidact IS. Today editorial topics are Chile marks a notch in the global constitutionalism. ये अच्छी टॉपिक है, इसमें हम लोग आज डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला है न्यू लेजिस्लेशन दैट मिरर द ओल्ड। ये एक्चुअल में कॉस्मेटिक एंड ड्रग्स एक्ट है 1940 का, उसको रिप्लेस करने के लिए एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है, तो उसके बारे में ये बात है, तो इसको हम लोग देखेंगे। और एक है एस्टेंजिंग इंडिक्टमेंट। ये एक्चुअल में NIA जो है 121 ट्राइब को रिहा किया है, आपका 2017 का एक केस था उसके अगेंस्ट में। तो क्या प्रॉब्लम था इसमें, इसी के बारे में इसमें बात है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो ये तीन टॉपिक है आज का। चलिए फिर हम लोग पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा अगला टॉपिक है चिली मेक ए नॉच इन ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बेसिकली ये टॉपिक जो है हाल फिलहाल में जो चिली कंट्री है, आपको पता होगा चिली कंट्री कहाँ है, साउथ अमेरिका में या नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। आपको इस पर ध्यान होना चाहिए कहाँ पे है, मैप पे लोकेशन कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी ड्राफ्ट फाइनलाइज हुआ है इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ये जुलाई में, जो जुलाई है इसी मंथ में हुआ है। अब इस पर अब डिबेट चल रहा है और इसका जो फाइनल होगा रेफरेंडम 7 सितंबर को होने वाला है, ठीक है। तो इसी डिबेट में कि क्या सही है गलत है, इसी पे ये आर्टिकल है। और कैसे बना, कहाँ कैसे ये फॉर्मेशन हुआ, इसके बारे में इस पूरे आर्टिकल में बात किया गया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि तो बात यहाँ उठता है कि भाई अभी नया ड्राफ्ट आया, इसका मतलब पहले में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो देखिए पहले में इसको समझने के लिए कि 2019 में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो 2019 में प्रोटेस्ट स्टार्ट होने से पहले आपका इसका अगस्टून कॉन्स्टिट्यूशन चलता था। इसमें कुछ प्रॉब्लम था, जैसे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के बाद यहाँ पे अनइक्वालिटी जो है कंट्री में बहुत ज़्यादा हो गया था। कारण देखिए, पानी को भी प्राइवेट कर दिया था ये लोग, मार्केट डीरेगुलेशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन था, ठीक है। तो ये सारा जो प्रॉब्लम था और अनइक्वालिटी जो है इसमें क्या हो गया, इसको अनइक्वालिटी होने के बाद ये लोग सड़क पे उतर गए, ठीक है। अनइक्वालिटी वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड बन गया। अब इसके कारण आपको पता ही है कि प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ के आदमी लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट करने लगे 2019 में। और प्रोटेस्ट का कारण क्या था, क्या थीम क्या था, सोशल इनइक्वालिटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ना और प्रोबिटी इन गवर्नेंस घटना। देखिए ये अधिकांशतर ये सब चीज़ नहीं होगा तो वहाँ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आप देख लो श्रीलंका का भी, इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर थीम वहाँ देखने को मिल जाएगा। और ये डिमांड क्या की है कि भाई हमको डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो पुराना वाला नहीं, हमको डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और उसमें भी जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बने उसमें डायरेक्ट इलेक्शन कराया गया वहाँ पर, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। हम लोग अगर आप इस पॉलिटी पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा डायरेक्ट इलेक्शन करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बना था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया, ठीक है। और उसमें वुमेन का प्रेजेंटेशन 51% रखा गया, 17 इंडिजीनियस वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उसके लिए रखा गया। और उसके अलावा जो सोशियो इकोनॉमिक, सारे गरीब से लेकर और अमीर, सारे सोशियो इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम के जितने आदमी को लिया जा सकता है सबको इंक्लूड किया गया। डिफरेंट लैंड ज्योग्राफिकल, जो ज्योग्राफिकल लैंडस्केप है वो सब वहाँ से भी आदमी को लिया गया। इवन सेक्सुअल माइनॉरिटी है उसको भी लिया गया, ठीक है। इसको भी इंक्लूड करके इसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्ट तैयार किया है अभी जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन आया है जिस पर अभी डिबेट चल रहा है, ठीक है। तो देखिए जब इतना सारा चीज़ हुआ कि 51% दिया, 17 सीट रिजर्व किया, बाकी सारे को पार्टिसिपेशन, सारे को इंक्लूड कर लिया है, तो एक तरह से आप देख सकते हो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेटरी दिखेगा, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेशन ये लोग किया है तो पार्टिसिपेटरी हो गया, ठीक है। और जो भी मतलब रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेटरी प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ये दिखता है। और इसके कारण क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है और पार्टिसिपेटरी है तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंक्लूसिव है और विजनरी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इंक्लूसिव भी है क्योंकि सबको इंक्लूड किया है और आगे भी देखता है विजनरी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो
इसमें जो राइटर है ये तो इतना बताएं, इसके बाद ये बताएं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ते बढ़ते अभी तक आया है। अच्छा, एक बात ध्यान देना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी काम करे। ठीक है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये है पहला वाला ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ब्रिटानिका का है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डॉक्ट्रिन दैट गवर्नमेंट्स अथॉरिटी इज डिटरमाइंड बाई बॉडी ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज सम टाइम रिगार्डेड एज सिनोनिम्स फॉर द लिमिटेड गवर्नमेंट, दैट इज ओनली वन इंटरप्रिटेशन एंड बाई नो मीन्स द प्रोमिनेंट वन। ठीक है, तो आपको ध्यान होना होगा ये बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया है उसके हिसाब से आपका जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट अथॉरिटी है वैसे वर्क करे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ठीक है, तो आप देखो जब अर्लियर फेज का, इसमें दो बात किया गया है हिस्ट्री बताने के लिए, एक तो अर्ली मिड के 20th सेंचुरी के पहले का और दूसरा है लेटर मिड 20th सेंचुरी का, ये दोनों को लेकर ये बात किया गया। तो इसमें आप देखोगे कि पहला जो है उसमें US मॉडल को माना गया है। US मॉडल जो है इसमें आप देखोगे कि इसका मेन पर्पस था कि जो स्टेट पावर को कंस्ट्रेन करना। ठीक है, इसीलिए स्टेट पावर को कंस्ट्रेन कि भाई आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते होगे US में और अर्ली मिड वाले में कि बिल ऑफ राइट हुआ करता था और लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में पावर डिवाइड किया गया हुआ था। ठीक है ना, लिमिटेशन इस पर दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन बाद में लेटर मिड 20th सेंचुरी में देखने को मिला कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपका जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब ये ही सिर्फ हुआ ना कि भाई आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए उसको फॉलो करना है, उसी को गवर्नमेंट वगैरह फॉलो करेगी। ठीक है, कारण क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सोशल क्वेश्चन को पहले इंक्लूड नहीं किया करता था, इक्विटेबल एक्सेस टू मटेरियल रिसोर्स के बारे में भी कोई बात नहीं करता था। ठीक है, ये कारण है कि बाद में फिर 1980s में देखने को मिला कि कॉन्स्टिट्यूशन अब ये सब जो बात है, ये सब जो है इसको भी इंक्लूड करने लगा, इसको भी अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने लगा। पहला साउथ अफ्रीका है इसको इंक्लूड करने वाला, मतलब इस टाइम में जब साउथ अफ्रीका का बना तो इस चीज़ को इंक्लूड किया गया। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड किया, राइट ऑफ टू हाउस, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे को अब इंक्लूड कर लिया। सोशल क्वेश्चन को अब कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन करने लगा आदमी। अब जो सोशियो इकोनॉमिक राइट है, ठीक है ना, इस जो सोशियो इकोनॉमिक राइट है बहुत ही यूज़फुल होता है ये जो दिया गया। एक तो पहले गवर्नमेंट को अब जस्टिफिकेशन देना होगा और कि कैसे रिसोर्स आप खर्च कर रहे हो, और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया गवर्नमेंट पे कि आप बताइए आप हमको नहीं दे रहे हैं, दिए तो कहाँ खर्चा किए ये सब चीज़। ठीक है, और इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये रिकॉग्नाइज़ किया ये टीज़ में जो है कि भाई एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये कि भाई एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए सबके, लेजिस्लेटिव के अंदर में भी नहीं, एग्जीक्यूटिव के अंदर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नेंस का जो इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको आप उसके लिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना ही चाहिए। जैसे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का बात इंफॉर्मेशन कमीशन का बात कर सकते हो, ह्यूमन राइट कमीशन, इलेक्टोरल कमीशन, ठीक है, और यही सब कमीशन को बोलते हैं इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशन। ये इंटीग्रिटी होल्ड करवाता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को, अकाउंटेबल करवाएगा, उस पर चेक करके रखेगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हमको राइटर देते हैं कि 2010 में जो केन्या कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा ही 10 कमीशन के बारे में मेंशन किया। तो ये देख रहे हैं हम लोग कि कैसे पास्ट से कैसे इवॉल्व हो रहा है। ठीक ना, अब इसी में आगे आप देखोगे कि अगर आपको चाहिए एक रिच और थ्राइविंग डेमोक्रेसी, तो एक बात ये भी मेंशन किया गया है कि सिर्फ पीरियोडिक इलेक्शन से काम नहीं चलने वाला है, आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ाना पड़ेगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, आप पीरियोडिक के लिए रुके रहोगे उतना काम नहीं करने वाला है। और पब्लिक पार्टिसिपेशन आप कहाँ करवा सकते हो, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग में। ठीक है, और कैसे करवा सकते हो कि भाई आप सिविक एजुकेशन दो, स्प्रेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबको अवेयर करवा दो, तो वो लोग पार्टिसिपेशन करने लगेगा, लॉ मेकिंग में ही करने लगेगा, तो प्रॉब्लम जो रिवोल्यूशन का होता है वो कम हो जाएगा। इसी का एग्जाम्पल केन्या इस चीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया कि पार्टिसिपेशन होगा पब्लिक का पार्टिसिपेशन लॉ मेकिंग में रहेगा। ठीक है, अब तो ये सारा चीज़ जो आप देखें यहाँ तक अभी तक, तो इसमें क्या आपको देखने को मिला कि जो
जो चिली का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दोनों चीज दो चीज़ को इंक्लूड किया है। एक तो पास्ट विजडम जो अभी तक जो इवॉल्व होते आ रहा है वो सब चीज़ को भी इंक्लूड किया, और एक फ्यूचर फ्यूचर फेसिंग डॉक्यूमेंट भी है, ठीक है ना। जैसे कि पास्ट विजडम में क्या कि भाई आप अभी हम लोग देख लिए कि सोशियो इकोनॉमिक राइट होना चाहिए, ज़रूरी है, बेसिक जो सोशियो इकोनॉमिक राइट है इसको इंक्लूड किया है चिली कॉन्स्टिट्यूशन, एजुकेशन, वर्कर का राइट, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। और एक इसका जो प्रॉब्लम था जो वाटर को प्राइवेट कर दिया था, तो इसको डिकमोडिफिकेशन ऑफ वाटर भी कर दिया ये लोग। और आप देखोगे तो ये सारा जो है एक इंटीग्रल एलिमेंट है, कोई भी अगर आपको कल्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अगर सस्टेन करना है, तो ये जितना भी बात जो चिली अपने अंदर में रखा है, बेसिक इकोनॉमिक, एजुकेशन राइट, जेंडर आइडेंटिटी, ये सब इम्पॉर्टेंट है इस कल्चर को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है अगला पॉइंट, आता है फ्यूचर फेसिंग डॉक्यूमेंट कैसे है। तो देखिए इसमें चिली जो है, एक तो आपका नेशनल डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में बात किया है, इसमें रखा है राइट टू डिजिटल कनेक्टिविटी, इसको भी रखा है। इसके अलावा जो क्लाइमेट क्राइसिस को का जो ग्रेविटी है उसको समझते हुए इंटर जनरेशनल इक्विटी, मतलब एक जनरेशन जो जो हमारा अगला जनरेशन को क्या देके जाएगा, तो वो उसके बारे में इंटर जनरेशनल इक्विटी के बारे में भी ये बात किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कहोगे कि ये जो चिली का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका पास्ट विजडम प्लस फ्यूचर फेसिंग डॉक्यूमेंट, पास्ट विजडम को भी इंक्लूड किया है और फ्यूचर को भी देखते हुए बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि चिलियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंक्लूसिव है, पार्टिसिपेटरी है और इग्लिटेरियन है, ठीक है। ये आपका इस जो पूरे एडिटोरियल है इसका यही सार है, ठीक है। अच्छा चलिए, इसमें एक चीज़ और है कि जब आप देख लीजिए चिलियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या अपने अंदर रखा है, इसमें क्रिटिसिज्म भी है। तो राइटर बताते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट जो है एक क्रिटिसाइज़ किया है कि डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, बहुत ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन हो सकता है और हो सकता है फेल हो जाए, ठीक है, गोज़ टू फार इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी हो सकता है कि ये बैंकरप्ट भी हो सकता है। तो इसका काउंटर क्या किया ये कि भाई जो राइटर है वो बोले कि एक एजम्पशन गलत किया है ये इकोनॉमिक जो भी क्रिटिसाइज़ किया है इसमें, ये वो एक अपना एग्जाम्पल भी दिए हैं उसमें, ये बोले कि आप कंस्टिट्यूशन अपने से लागू नहीं होता है, उसका इंटरप्रिटेशन होता है, और इंटरप्रिटेशन हमेशा जो है रियल वर्ल्ड में होता है, रियली आपके पास क्या स्थिति है उसके हिसाब से आप इंटरप्रिटेट करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि जो साउथ अफ्रीका का जो कंस्टिट्यूशन है, साउथ अफ्रीका का ये कंस्टिट्यूशन है, तो वो क्या है, हाउस हाउस राइट दिया है कंस्टिट्यूशन में, हेल्थ, एजुकेशन, तो ये सारा चीज़ ऐसा नहीं हुआ कि बैंक करप्ट हो गया साउथ अफ्रीका, ठीक है। रैदर वो बता रहा है कि ये तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है जो एड्स वनरेबल पीपल के अगेंस्ट को, वनरेबल जो पीपल है उसके उसको प्रोटेक्ट कर रहा है इविक्शन से, और एड्स का जो प्रॉब्लम है उससे वो उसको रिजॉल्व करवाने में हेल्पफुल हो रहा, मदद हेल्पफुल है ये। इसके अलावा एक और बात की है कोलंबियन कोर्ट के बारे में भी, कोलंबियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी, कि ये बहुत अच्छा सही है, डिसिप्लिन वहाँ मेंटेन करने में हेल्पफुल हो रहा है। तो इसी तरह से मेन इसमें ये क्रिटिसिज्म को काउंटर करने में बोले कि इंटरप्रिटेशन रियल वर्ल्ड में ही होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर बना दिया गया फिर भी इंटरप्रिटेशन अगर जो किया जाएगा वो रियल वर्ल्ड में होगा, तो आप पहले नहीं बोल सकते हो कि इकोनॉमिक बैंकरप्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये था इसमें इस आर्टिकल में ओवरऑल। अब चलिए हमारा अगला टॉपिक है न्यू लेजिस्लेशन दैट मिरर द ओल्ड। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है इसमें जो हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 का, उसके बारे में जिक्र है कि इसको रिप्लेस करने के लिए जो अभी हाल फिलहाल में एक ड्राफ्ट बिल पेश किया गया है, तो इसी बिल पे ये पूरा आर्टिकल है, और इसमें बताया गया है कि कैसे ये जो बिल है कुछ भी नया नहीं कंटेन किया हुआ है, और उसका प्रूफ ये दो तीन एग्जांपल लेके किया है राइटर ने किया है। तो पहला ये बात बताया कि जो रेगुलेटरी थ्योरी है कि कैसे ड्रग्स कंट्रोल ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसको कैसे चेक किया जाए, उसका जो रेगुलेशन था इनिशियल फेज़ में, अच्छा ये हम बता दे रहे हैं तीन पॉइंट पे ये बात किया है ये राइटर, एक तो रेगुलेशन पे, एक फेडरलिज्म पे क्वेश्चन किया है, और एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर पे क्वेश्चन किया है। जो ये
पिछले बिल में मिसिंग था और इस बिल में भी मिसिंग है, ठीक है। तो इस तीनों पे हम लोग को बात करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहला से रेगुलेशन थ्योरी से, ठीक है। तो इसमें पहले शुरुआती दौर में जब रेगुलेशन, जब इसको कंट्रोल किया जाता था, तो ड्रग इंस्पेक्टर जो हुआ करता था, ठीक है ना, वो जाता था मार्केट से ड्रग्स खरीदा और उसको चेक करेगा। अगर वो सही निकला तो ठीक है, अगर गलत निकला तब उस पर चार्ज लगेगा। तो जो ड्रग रेगुलेटर कब गया, कहाँ का दवा लिया, किस टाइम पे लिया, कौन सा सैंपल लिया, इस पे डिपेंड हो गया। मतलब ये पूरा लक और फेट पे डिपेंड हो गया कि वो दवा सही उसके हाथ में गया या गलत हाथ में गया, ठीक है। इसके बाद एक नया दूसरा सिस्टम आया, ठीक है, वो थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे ही उसका कंट्रोलिंग होने लगा। मैन्युफैक्चरिंग जो जहाँ हो रहा है उस यूनिट पे ही जाकर एक अच्छा प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करे, इसको इंश्योर कराया गया, जिसके कारण वहीं से अच्छा दवाई निकले तो हमको बाहर कंट्रोल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, एक तरह से ये जो सिस्टम है वो ये आया, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसा आने लगा। तो इंडिया भी अच्छा इसमें ऐसा इंश्योर होता था कि इसमें क्वालिटी जो है फेल नहीं हो, क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहे। इतना सिस्टम चेक है, सो मेनी चेक दैट इज अनलाइकली दैट इट वुड फेल क्वालिटी टेस्ट, ठीक है। तो इसमें इंश्योर ये हुआ करता था। तो ऐसा ही जो रेगुलेशन है इंडिया अडॉप्ट करता है 1988 में। अच्छा, और ये जो रेगुलेशन है रूल से आया, जो कि एग्जीक्यूटिव बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है, ना कि पार्लियामेंट के थ्रू आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें एक चीज़ और बताया गया कि जो हम लोग जीएमपी जो हम लोग अपना अपनाएं, उसमें एक्चुअल जो थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज हो रहा था वैसा कुछ प्रैक्टिस हम लोग नहीं लिए, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया गया कि यूएस में जो मैंडेट होता था कि आप जो पब्लिक जो रिपोर्ट को जो जो इंस्पेक्टर गया उसको चेक किया, ये यूनिट को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, उसका जो रिपोर्ट है पब्लिक, उसको पब्लिक करना पड़ता था, पब्लिकेशन होना ज़रूरी है। अगर वो फेल होता है तो ये माना जाता है कि उसमें मिलावट है, ठीक है ना, और अगर ऐसा हुआ तो क्रिमिनल पेनल्टी उसमें लगता था, ठीक है। यूएस में ऐसा है, लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में क्या होगा तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, इसमें क्रिमिनल पेनल्टीज के बारे में नहीं बात किया गया, ठीक है। तो और देखा भी गया कि ये इसको जीएमपी इसको हम लोग जब अपनाएं उसके बाद कोई रिपोर्ट भी हार्डली पब्लिश होता है इस मैटर में, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में, ये जो नया डॉक्यूमेंट या नया ड्राफ्ट जो बिल आया है इसके बारे में कुछ भी बात नहीं किया है, ठीक है। तो पहला हम लोग बात किए कि नया ड्राफ्ट ये कैसे, इसके बारे में कुछ भी बात नहीं किया, प्रॉब्लम क्या था वो हम बताएं और उसके बारे में नहीं बात किया, ठीक है। अब दूसरा आते हैं, दूसरा ये बात करता है कि फेडरलिज्म पे क्वेश्चन करता है। तो इसमें ये बात करता है कि अनइवन इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट अक्रॉस द इंडिया। इसमें बताया कि इंडिया में 37 एजेंसी है अभी जो वर्क कर रही है इस पे, ठीक है। 37 एजेंसी, समझ में आया कि कैसे हुआ। तो सारे हर एक स्टेट का अपना एजेंसी और यूटी का एक एजेंसी, और उसके बाद आपका एक आता है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएसको, ठीक है ना। ये एक्चुअल में हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर में रहता है। तो ये पूरा मिला के 37 एजेंसी है। अब बात करो तो जो आपका स्टेट वाला है, एक तो लाइसेंस देता है, स्टेट वाला जो एजेंसी है उसके अंदर में लाइसेंसिंग का है, उसके बाद सैम्पलिंग, टेस्टिंग, और अगर सब स्टैंडर्ड अगर आपका ड्रग मिला तो उस पर आपको प्रोसिक्यूशन भी करता है, ठीक है। ये आपका स्टेट का है। अगर सेंटर का बात करें तो सेंटर क्या करता है, इम्पोर्ट वाला पे रेगुलेट करता है कि क्या आएगा क्या नहीं, इम्पोर्ट होगा। दूसरा नया जो न्यू ड्रग है उसका क्लिनिकल एविडेंस है होना चाहिए जब वो बेचने जाता है तब। मतलब डिसाइडिंग वेदर न्यू ड्रग्स हैव एडिक्वेट क्लिनिकल एविडेंस बिफोर दे कैन बी सोल्ड, ठीक है ना, ये डिसाइड करता है। और तीसरा कभी काल ऐसा थ्रू आउट द ईयर, मतलब विद द टाइम ऐसा होने लगा कि जो ये स्टेट जो काम करती थी सैम्पलिंग, टेस्टिंग और प्रोसिक्यूशन, ये भी ये करने लगा, ठीक है। बात कर रहे हैं हम लोग किस चीज़ पे, हम लोग बात कर रहे हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना, तो उसी के पे बात कर रहे हैं। आप देखिए कैसे कन्फ्लिक्टिंग हो रहा है पावर यहाँ पे। इसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री के पास ये भी पावर है कि वो रूल एंड रेगुलेशन बनाए रिगार्डिंग द ड्रग्स। और उसके बाद अगर क्लिनिकल एविडेंस नहीं रहता है तो ऐसा ड्रग्स को बैन भी करने का है,
ठीक है ना। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है, ये आपका एक, हम लोग इसमें दो इशू है फेडरलिज्म में। पहला हम लोग अनइवन इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट वाला ये बात किए हैं कि भाई देखिए पावर का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। एक और इसमें देखने को मिलता है कि स्टेट के से रिलेटेड में है कि आप हिमाचल प्रदेश में देखिए तो बहुत सारा ड्रग्स कंपनी अधिकांशतर वहीं पर जाकर अपना मैन्युफैक्चरिंग करता है, कारण वहाँ पर टैक्स हॉलीडे है, ठीक है। और वहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेटिंग एजेंसी जो है हिमाचल प्रदेश का, वो बहुत ख़राब कंट्रोल कर रही है। उसको डर रहता है कि अगर हम ज़्यादा टाइट रखेंगे तो वहाँ से मेरा इन्वेस्टमेंट वहाँ से चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट लॉस के कारण वो लोग पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट हो रहा है वहाँ पर। अब बताइए ये जो यहाँ से जो ड्रग्स निकलेगी एचपी से हिमाचल प्रदेश से, तो ये थ्रू आउट द वर्ल्ड सॉरी थ्रू आउट द कंट्री सोल्ड होगा, ठीक है। अब ये मान लो कि वो जाता है तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, जो कि अच्छा रेगुलेटर है, ये लोग के पास अच्छा रेगुलेटिंग कैपेसिटी है, तो वो इस ड्रग को नहीं रोक पाएगा, ज़्यादा रोकने का उसके पास दायरा नहीं बचता है, ठीक है। यही कारण था कि एक हमारा मैसेलकर कमेटी बना था 2003 में, वो रिकमेंड करता है कि सेंट्रलाइज ड्रग एजेंसी होना चाहिए विथ सेंट्रल रेगुलेटर के, ठीक है। आप इसका नाम आप लोग डेटा बुक में डाल लीजिएगा, ठीक है ना, मैसेलकर कमेटी 2003। तो ये बात करता है सेंट्रलाइज ड्रग लाइसेंसिंग विथ सेंट्रल रेगुलेटर। तो ये प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, ये दो प्रॉब्लम लोग बात की ये भी करके, और ये इसका इशू जो हमारा कमेटी 2003 में बना था वो बात कर ही दिया था, ठीक है। लेकिन हमारा जो अभी नया जो बिल बना वो है इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करता है, ठीक है। दूसरा हो गया। और तीसरा पे हम लोग आते हैं कि ये बोलता है कि डेमोक्रेटिक करेक्टर मिसिंग है। जैसे आप एक चीज़ देखो तो जो ड्रग रेगुलेटर है वो ब्यूरोक्रेट होता है, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर बहुत है, ठीक है, तो एब्यूज़ होने का चांस बढ़ जाता है। इस एब्यूज़ को रोकने के लिए ज़रूरी है कि उस पर अकाउंटेबिलिटी लाना चाहिए, ठीक है ना। और अकाउंटेबिलिटी तभी आएगा जब उसमें ट्रांसपेरेंसी, जो अपना वर्क कर रहा है वो ट्रांसपेरेंट वर्क रहे। और वो ट्रांसपेरेंसी कैसे आ सकता है कि जो भी वर्क हो उसको पब्लिकली एक्सेसिबल डेटाबेस में अगर हम लोग सब रिपोर्ट डेटा जो होता है, जैसे इंस्पेक्शन किया उसका डेटा, जो मैन्युफैक्चर किया क्लिनिकल ट्रायल है उसका डेटा, ये सारा अगर हम लोग पब्लिकली एक्सेसिबल डेटा बेस में अगर डालते जाएं तो हमारा ट्रांसपेरेंसी रहेगा और उससे हम लोग अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवा देंगे, ठीक है। और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो हमारा कॉन्फिडेंस है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस रेगुलेटर पे के प्रति बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, ये प्रॉब्लम में है। और नया जो ड्राफ्ट है वो भी इसके बारे में साइलेंट है, ठीक है ना। तो ये आप हम लोग देख लिए, ये तीन चीज़ पे ये बात करता है, ठीक है, रेगुलेटिंग थ्योरी, फेडरलिज्म क्वेश्चन और डेमोक्रेटिक कैरेक्टर पे। कैसे नया वाला जो ड्राफ्ट बिल है वो पुराना वाला का जो प्रॉब्लम है नहीं सॉल्व कर पा रहा है, वो तीन मुद्दा ये है। तो इसके लिए बोला कि क्या नीडेड है, तो इसमें नीडेड में क्या है, बोला कि भाई आप जो पार्टिसिपेशन है सिटीजन का उसको बढ़ाइए, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग बाई प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, वही जो पब्लिकली एक्सेस डेटाबेस का बात कर रहा था उसी के बारे में बोला कि उसको दीजिए, उससे उसका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ इसमें बात किया कि लीगल पाथवे ऐसा बनाइए जैसे कि पब्लिक हियरिंग हो, सिटीजन का पार्टिसिपेशन होने, ऐसा एक ऐसा चैनल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें पब्लिक हियरिंग होते रहे, पार्टिसिपेशन सिटीजन का बढ़े, रेगुलेटर प्रोसेस जो होता है उसमें, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन, कोई अगर सिटीजन को कोई ऑब्जेक्शन होता है तो उसको रजिस्टर देयर ऑब्जेक्शन, इसके लिए भी। और इसमें ये बात कहा गया कि जो भी ड्रग अप्रूवल हो, अप्रूवल प्रोसेस उस जैसे हो रहा है अप्रूवल प्रोसेस, उसके साथ साथ पब्लिक हियरिंग भी को भी अलाउ करना चाहिए, जो जिसमें कि डॉक्टर और कॉमन मैन अपना रेगुलेटर से क्वेश्चन कर सके कि भाई आप जो इसको अप्रूव कर रहे हो इसके पीछे रीज़न क्या है, इस ड्रग्स को अगर अप्रूव कर रहे हो तो उसके पीछे का रीज़न आप बताइए, ठीक है। इससे इंश्योर हो जाएगा कि ये सही पाथ पे जा रहा है, ये आप ये भी इंश्योर कर दोगे, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और ये बता रहा है कि आपको नया कमिटी बनाकर ऐसा बिल बनाइए जिसमें कि डेमोक्रेटिक करेक्टर को दर्शाता हो, ठीक है। तो ये आपका इसमें जो मेजर बात है यही है। इसमें दो बात हम लोग किए, एक प्रॉब्लम क्या था और क्या होना चाहिए इसमें, ठीक है।
और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली ये द स्पेस गोटिंग ऑफ इनोशियन ट्राइबल इन द फाइट अगेंस्ट मॉयस्ट इज ए सेल्फ डिफेंडिंग पॉली, सेल्फ डिफीटिंग पॉली। बेसिकली ये जो है ना, अभी हाल फिलहाल में 121 को, 121 ट्राइब को है ना अभी बेल मिला, ठीक है ना। ये बेसिकली 25 CRPF जवान का डेथ पे इस केस में गया था, और अभी NIA कोर्ट जो है इसको बरी कर देता है, दोष मुक्त कर देता है। और ये 2017 का है, ठीक है ना, 2017 का था ये। 5 साल ये लोग बेल विदाउट बेल में थे, मतलब अंदर डिनाइल हुआ ये लोग का बेल पे, बट जेल ही में रहे। अब इसी बात से, मतलब ये जो जो सिनारियो है उसी पे जो राइटर है इसमें क्वेश्चन करता है दो तीन चीज़ पे, ठीक है। इसमें प्रोसेस है, आप पढ़ लेना, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एक तो बोलता है कि UAP आप लगाते हो विदाउट प्रूफ का, ये एक इशू है। पब्लिक इन्वेस्टिगेशन जो इस केस में देखने को मिला कि अनफेवरेबल था ट्राइबल के प्रति, और इलीगल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छा पब्लिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम करेगा, क्रिएट करेगा हमारे स्टेट को ही क्रिएट करेगा। कारण ये बताया कि जैसे माओइस्ट है, जैसे स्टेट भी दो चार चीज़ यूज कर रहा है। अभी स्टेट ये चीज़ को यूज कर रहा है कि भाई पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, लाइवलीहुड नहीं होना, लाइवलीहुड क्राइसिस ना हो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ओवरकम करने का बात कर ही रहा है। इतना बात कर रहा है ना, गवर्नमेंट भी इस पे बात कर रही है, गवर्नमेंट भी, इंडियन गवर्नमेंट भी इसके लिए एश्योर कराती है कि ऐसा ना हो। और माओइस्ट तो इसके इतना तो बोलता ही है, प्लस स्टेट रिप्रेशन, जो स्टेट का जो तानाशाही रवैया है या स्टेट जो उस पर प्रताड़ना कर दी है, उसको यूज कर लेता है मॉइस्ट अपने फेवर में करने के लिए। तो सारा मॉइस्ट इसके फेवर में आ जाता है। तो जो ये जो दो चीज़ है, जो रूल ऑफ लॉ आप नहीं बनाए, जैसे ये क्या होना चाहिए, तो रूल ऑफ लॉ का बात किया और ट्राइबल ट्राइब का सपोर्ट लेना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर ये इंश्योर होगा, रूल ऑफ लॉ कैसे इंश्योर होगा कि भाई आप ऐसे ना करिए, इन्वेस्टिगेशन सही होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन सही होगा और गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा, तो जो ट्राइबल सपोर्ट अपने आप मिलने लगेगा, ठीक है। तो ये जो एजेंडा स्टेट रिपर्सन, और एक चीज़ और इसमें ऐड किया गया कि बार बार ऐसा होता है, एक बार नहीं देखा गया कि भाई आप ट्राइब को ही जिम्मेवार समझते हो हर एक में, है ना। कोई भी कुछ होता है तो उसको लाइन हाजिर करवा लेते हो सारे ट्राइबल को, तो ये बार बार हो रहा है। तो माविस्ट बोलते हैं कि भाई ये देखो, स्टेट जो है सुधरने वाला नहीं है, आपको लगता है कि स्टेट सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये अगेंस्ट द स्टेट ही जा रहा है ना, अगर आप गलत तरीका अपनाते हो तो अगेंस्ट द स्टेट जाएगा, ठीक है। तो यही इसमें बात किया गया है कि भाई आप रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करो और कोशिश करो कि ट्राइबल सपोर्ट को गेन करें, ठीक है। इसी से आप जो ट्राइबल, जो माओइस्ट वाला जो मूवमेंट है उसको आप रोक सकते हो, ठीक है। इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, तो ये आज के लिए इतना ही है।